बॉलीवुड के दिग्गज सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम ने कोरोना से लंबी फाइट के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अस्पताल में 1:04 पर एसपी बाला सुब्रमण्यम ने आखिरी सांस ली। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपनी दमदार आवाज के दम पर लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाले एसपी बाला सुब्रमण्यम ने सलमान खान की शुरुआती फिल्मों के ज्यादातर गानों को अपनी आवाज दी थी, जिसके चलते एसपी बाला सुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज माना जाने लगा था। शुरुआती दिनों में सभी को डर था कि एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज सलमान खान जैसे युवा कलाकार पर जचेगी या नहीं। हालांकि बाद में मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों के गानों से उन्होंने सभी को गलत साबित कर दिया। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 16 भाषाओं में तकरीबन 40,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपने शानदार करियर के दौरान 6 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे। एसपी ने एक दूजे के लिए, मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल, हम आपके हैं कौन और रोजा जैसी पॉपुलर फिल्मों के गाने गाए थे। आज भी उनके गाने युवा दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 8 फरवरी 1981 को एक नया कारनामा कर दिखाया। उन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे के बीच कन्नड़ भाषा में लगातार 21 गाने गाए थे। उन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का कारनामा किया था। इसके अलावा उन्होंने तमिल भाषा में एक दिन में 19 और हिंदी भाषा में एक दिन में 16 गाने रिकॉर्ड किए थे। एक टाइम पर वो हर रोज 15-16 गाने रिकॉर्ड किया करते थे। आपको बता दें कि एसपी बाला सुब्रमण्यम की हालत काफी टाइम से खराब थी। निधन से पहले एसपी बाला सुब्रमण्यम ने एक वीडियो शेयर कर फैंस को चिंता ना करने के लिए कहा था। उन्होंने वीडियो में कहा था कि 2-3 दिन से मुझे तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, सीने में जकड़न और जुकाम भी था, इसके अलावा बुखार भी आ जा रहा था। मुझे कोई और दिक्कत नहीं थी, मैं इसे हल्के में नहीं लेना चाहता था, इसीलिए चेकअप के लिए अस्पताल आना पड़ा। आपको बता दें कि एसपी बाला सुब्रमण्यम के एडमिट होने के बाद अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर बनाई हुई थी, लेकिन कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से एसपी बाला सुब्रमण्यम नहीं बच पाए और 1:04 पर उन्होंने इस दुनिया में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि एसपी बाला सुब्रमण्यम को पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों समेत कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। 1979 में उन्होंने सलमान खान के लिए गाना शुरू किया और वो सलमान खान की आवाज बन गए। आपको बता दें कि एसपी बाला सुब्रमण्यम सलमान खान के काफी करीबी लोगों में से एक हैं। हमारी तरफ से एसपी बाला सुब्रमण्यम को नम आंखों से श्रद्धांजलि।